हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हिरन सर। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक लेके आए, हैशिंग। हैशिंग हम पूरा का पूरा चैप्टर लेने वाले, थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स है एंड टेक्निकल उसमें जो आते हैं सम्स, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हमारा सिर्फ ये कंसेप्ट है कि व्हाट इज हैशिंग, हैशिंग क्यों यूज करते हैं एंड हैशिंग का एक्चुअल यूज क्या होता है, ठीक है? तो वो हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो पहले व्हाट इज हैशिंग, हैशिंग का मतलब क्या होता है कि हैशिंग मीन्स व्हाट, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग अ डेटा। डेटा मतलब क्या होता है, की वैल्यू फ्रॉम अ हैश टेबल इन अ कॉन्स्टेंट टाइम। कॉन्स्टेंट टाइम मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉन्स्टेंट टाइम मतलब अभी मैंने वन लिखा है तो जरूरी नहीं कि वन टाइम्स में आपको डेटा मिल जाए, वो थ्री टाइम्स में मिल सकता है, फोर टाइम्स में मिल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टाइम। जैसे अभी सर्चिंग करने के लिए हमें, जैसे हैशिंग है ये मेनली यूज होता है सर्च करने के लिए, डेटा को रिट्राइव मतलब सर्चिंग करना हो या डेटा को स्टोर करना हो, ये दोनों टेक्निक में यूज करते हैं। सर्चिंग करने के लिए हम जो यूज करते थे पहले वो है लिनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च और अभी तीसरा हैशिंग, जो हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादा यूज भी होता है। लिनियर सर्च जो टेक्निक थी उसमें हम यूज करते थे, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन टाइम्स है। जो बाइनरी सर्च है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स है। तो यहां पे एन टाइम्स है और यहां पे लॉग एन टाइम्स है। और हैशिंग में क्या है, ओनली वन टाइम्स, कॉन्स्टेंट टाइम्स, मतलब वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन हो सकता है, एन क्यू। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं और फिर इसका समझते कि ये वन टाइम्स क्यों है, ये n टाइम्स क्यों है और ये log n टाइम्स क्यों है। ये एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम उसका वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपको एक समझ में आएगा कि n टाइम्स क्यों है, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे लिनियर सर्च। चलो लिनियर सर्च का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके एलिमेंट्स है 35, 46, 69, 21, 11, ये पांच नंबर पकड़ते हैं। तो ए ऑफ 0 है, ए ऑफ 1 है, ये ए ऑफ 2 है, ए ऑफ 3 है और ए ऑफ 4 है। ओके, यहां पे एक 24 पकड़ते हैं और यहाँ पे सॉरी 8 नाम की वैल्यू है। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज लिया है, 31, 45, 69, 24, 8। कोई भी रैंडमली हमने वो एलिमेंट्स को सेव किया है और मैं अभी यहाँ पे एक नंबर सर्च करता हूं लाइक 8। तो क्या ये 8 नाम का एलिमेंट इसमें है क्या? तो मेरा एन ये केस में कितना है, 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट सेव किया है। ये लिनियर सर्च है। हैशिंग क्यों यूज हुआ वो हमें सीखना है। तो पहले ये देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर ये देखेंगे हैशिंग से क्या एडवांटेज होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये 31, 45, 69, 24, 8 बोला है और मुझे 8 सर्च करना है। तो क्या 8, 31 मैच हुआ क्या? नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम में फॉल्स है, सेकंड टाइम में फॉल्स, थर्ड टाइम फॉल्स, फोर्थ टाइम फॉल्स एंड फिफ्थ टाइम्स में आपको वो नंबर मिला। ये जो टेक्निक थी इसको क्या बोलते हैं, लिनियर सर्च। ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं लिनियर सर्च। आपको जो आपका नंबर था वो एन पोजिशन पे मिला, इसलिए मैक्सिमम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है, ठीक है? तो लिनियर सर्च में एन आने के चांस है। बेस्ट केस में अगर आपका नंबर 31 होता तो डायरेक्ट मिल सकता है, बट अगर आपका नंबर 31 है तो आपको जल्दी मिलेगा, अगर 8 होगा तो आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये लिनियर सर्च है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। एन आपका 5 था, इसके लिए आपने 5 बार तक सर्च करवाया। मान लो आपका नंबर नहीं होता, जैसे 18 बोला, 18 तो है ही नहीं इसमें, तो भी आप सारे नंबर तो चेक करोगे, ओके? तो उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, एन हुआ, ठीक है? और उसमें लास्ट में पता चलता है कि वो नंबर नहीं है। नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, यही नंबर हम बाइनरी सर्च में लेते हैं। तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, चलो 5 नंबर पकड़ते हैं, लाइक 31 है, 28 है, 46 है, 93 है एंड 11 है, ये 5 नंबर हम पकड़ते हैं और हमारा एन कितना, 5 है और हमें एक नंबर सर्च करना है। मान लो हमें जो नंबर सर्च करना है वो है 93, हमें नंबर सर्च करना है 93। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये जो नंबर दिया है उसका कंपलसरी पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है, मींस सॉर्टेड करना पड़ता है। तो आंसर बनेगा 11, 28, 31, 46 और 93। तो आपका नंबर ये था जिसका ये हो गया, तो फाइनल नंबर आपके ये चल रहा है। और इसमें सर्चिंग में पहली पोजिशन पे एफ होता है, लास्ट पोजिशन पे एल होता है। ये बाइनरी सर्च के प्रोग्राम्स में यही रूल्स हम फॉलो करते हैं, तो जैसे रियल में सर्च होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो एफ और एल, फिर सर्चिंग एफ से या एल से नहीं करते, इसके मिडल से स्टार्ट करते हैं। तो एफ 0, एल 4, दोनों का मिडल निकालो जो 2 होता है, एम बनता है 2। और फिर हम ये जो एफ एम बना उसकी कंपेरिजन नंबर से करते हैं, मतलब 31 की कंपेरिजन 93 से करते हैं, जो कंडीशन फॉल्स है, ओके? तो फिर क्या करते हैं, ये जो 93 है वो 31 से तो ग्रेटर है, तो फिक्स होता है कि आपका नंबर ये साइड होगा या फिर आपका नंबर ये साइड होगा। तो 93 ग्रेटर है मतलब ये साइड होने के चांस ज्यादा है। तो ये केस में आपका एफ यहां से निकाल के यहां पे लाते हैं।
तो ये एक इटरेशन हुआ जिसमें आपको नहीं मिला। चलो फिर से एफ प्लस एल का नेक्स्ट इटरेशन, फिर से एफ प्लस एल का मिडल निकालते हैं। तो 3 + 4 = 7/2, 3.5 इंटीजर में 3 आता है। अब ये जो m बना उसका कंपैरिजन करेंगे, मतलब a ऑफ m और 93, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब सेकंड इटरेशन भी फॉल्स हुआ। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 93 या तो आपका नंबर ये साइड होगा, सॉरी ये तो मैच ही नहीं हुआ तो ये साइड तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो नंबर आपका यही हो सकता है। तो ये केस में क्या करोगे, f को क्या करोगे, m प्लस 1 पोजीशन, f को m प्लस 1 किया, फिर से मिडल निकालो, यहां पे आया और 93 आपका मैच हो गया। तो ये 5 नंबर्स है, इसमें हमें टोटल कितना बार सर्च करना पड़ेगा, 3 टाइम्स सर्च करना पड़ा। तो जरूरी है 3 टाइम्स, कोई केस में आपका डायरेक्ट मिडल आंसर भी मिल सकता है, कोई केस में और ज्यादा सर्च हो सकता है, ठीक है, बट n टाइम्स तो नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट था, फिर भी आपका 3 इटरेशंस में आपको नंबर मिल गया था, ठीक है, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। अब लॉग एन क्यों है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करते हैं उसमें ही वो क्लियर होता है कि लॉग इन क्यों आया, बट इन शॉर्ट एन तो नहीं आया, ठीक है। और ये जो हैश टेबल है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 क्यों है, ये कैसे फास्ट करता है, मतलब कोई भी नंबर आप सर्च करो वो फास्ट ही सर्च करके देगा, इसका रीजन है। तो ये लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते वो मैंने अभी बताया ओवरऑल। अभी हैशिंग टेक्निक क्या है, हैशिंग टेक्निक क्यों ज्यादातर यूज होता है वो हमें सीखना था। तो यहां पे हैशिंग टेक्निक्स में आपको सबसे पहले यूज करने पड़ते हैश मेथड्स, जिसमें आता है डिवीजन मेथड, फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें से हम एक मेथड यूज करेंगे डिवीजन मेथड। तो उसका रूल है एफ ऑफ की इज इक्वल टू जो की आपकी रहेगी उसका मॉड्यूलर 10 करेंगे और एक एड्रेस जनरेट होगा, एड्रेस मतलब इंडेक्स जनरेट होगा, वो इंडेक्स पे क्या करोगे, वो की को सेव करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ 5 नंबर ले लेते हैं, लाइक 23, 46, 91, 48 और 74। चले 5 नंबर्स हम लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, और ये सारे वैल्यूज हम की में अज्यूम कराएंगे, ठीक है, मतलब ये ए ऑफ 0 का वैल्यू की को देंगे और फिर की से प्रोसेस कराएंगे। तो ये सब एरेज है, एरेज में डेटा सेव है और वो डेटा को आपको यहां पे सेव करवाना है, ठीक है। तो ये हम कीज पकड़ते हैं, इसके लिए इसको ए ऑफ 0 नहीं बोलते, ये निकाल देते हैं और हम इसको यहां पे हैश टेबल में सेव करवाने वाले, ठीक है। तो 23 यहां पे पुट करते हैं, f ऑफ 23 इज इक्वल टू व्हाट, 23 मॉड्यूलो 10 और आपको 3 मिला। तो ये जो 23 नाम का डेटा है वो कहां पे सेव करोगे, 3 नाम के की में, मतलब देखो यहां पे सेव किया। अब ये यहां पे सेव किया है मैंने, ये हैश टेबल है, इसमें भी बहुत सारे टाइप है, जैसे हम यहां पे यूज करने वाले स्ट्रेट चेनिंग, फिर होता है ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग में बहुत सारे टाइप है जिसका हम डिटेल्स थ्योरीज क्लियर करने वाले वन बाय वन वीडियो में, ठीक है। अभी हम यहां पे सिर्फ ओपन एड्रेसिंग का एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ओपन एड्रेसिंग एंड विदाउट चेनिंग, ठीक है, विदाउट चेनिंग यहां पे कंसेप्ट हो रहा है। तो 23 हमने इसमें डाल दिया, ओपन एड्रेसिंग विदाउट चेनिंग वाला एग्जांपल है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ओ 46 मॉड्यूलो 10, जिसका रिमाइंडर कितना आता है, 46 का 10 से करो, 10 × 4 = 40, ये रिमाइंडर है 6, तो 6 वाला इंडेक्स वहां पे 46 सेव। फिर 91, तो 91 1 वाला इंडेक्स मिलता है, इसका 91 का 1 आएगा, 48 का 8 आएगा और 74 का 4 आएगा। तो ये 5 वैल्यूज मैंने सेव किया है, ये 5 वैल्यू हमारे सेव हो गए। तो ये जो कंसेप्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं, स्टोरिंग डेटा इन अ हैश टेबल। तो डेटा को स्टोर किया, ये भी हैशिंग टेक्निक है। अब रिट्राइव करते हैं, मान लो मुझे 74 नाम का डेटा सर्च करना है, चलो वो छोड़ो मैं लास्ट डेटा सर्च करो तो 48 वाला डेटा मुझे सर्च करना है, ठीक है, 48 वाला डेटा सर्च करना है। तो 48 को सर्च करना है तो भी आपको क्या करना है, सर्च करने के लिए की मोड 10 बोलेंगे, तो 48 मॉड्यूलो 10 क्या आंसर है, 8। तो डायरेक्ट आपको 8 की इंडेक्स में जाना है और वो एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ, कब मिला हमें, कितने सर्च में मिला, एक ही सर्च में मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ वन टाइम्स। ओके, तो ये वन टाइम्स हो गया। अभी यहां पे लगेगा कि ये तो ठीक है, चलो यूनिक डेटा थे, मान लो यहां पे कॉलिजन होता है, कॉलिजन मतलब क्या कि मान लो यहां पे मैंने बोला लाइक 93 बोला है मैंने, तो 93 कहां पे सेव होगा, तो एफ ऑफ 93 मॉड्यूलो 10 3 आया रिमाइंडर, तो फिक्स हो गया 3 वाली इंडेक्स में 93 जाना चाहिए, बट 3 वाले इंडेक्स में तो ऑलरेडी यहां पे 23 है, तो ये केस में यहां पे सेव नहीं होगा, ठीक है। तो वो यहां पे हम सेव नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं कॉलिजन, ये कॉन्सेप्ट्स को ओवरफ्लो भी ये बकेट के लिए बोल सकते हैं। तो ये बकेट के लिए वो ओवरफ्लो सिचुएशंस भी आता है, ठीक है। एंड यहां पे हमारा क्या हो गया, ये 3 मिला एंड 3 में यहां पे ऑलरेडी है, तो हमें यहां पे 93 कहां पे सेव होगा, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉलिजन के लिए लिनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, ये टेक्निक्स यूज करते हैं।
चलो लिनियर प्रॉबिंग का कंसेप्ट डिटेल्स में हम क्लियर करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको यहां पे नहीं मिला तो जैसे अभी नहीं ये केस में थ्री में कॉलिजन हो गया है तो लिनियर प्रॉबिंग में हम ऐसा लगाते हैं लिनियर प्रॉबिंग ऑफ की कॉमा आई की प्लस एफ ऑफ की का जो आंसर मिला है प्लस आई करते हैं और मॉड 10 फिर से करते हैं। जैसे अभी ये 93 मॉड्यूलो 10 क्या आ गया था एफ ऑफ की उसका 93 का क्या आया था एल ऑफ 93 कॉमा आई वैल्यू कितनी लेनी है 1 मतलब पहला प्रॉब हो रहा है पहला कॉलिजन तो 3 प्लस 1 मॉड्यूलो 10 आंसर क्या है 4 मतलब 4 पे जैकी देखेंगे बट 4 पे भी ऑलरेडी एक वैल्यू है तो अभी और एक प्रॉब करेंगे 93 कॉमा 2 3 प्लस 2 आई की वैल्यू क्या चल रहा है 2 एंड एफ ऑफ की 3 कैसे 3 एफ ऑफ 93 का क्या आया था 3 इसके लिए 3 लिख रहे हैं मॉड्यूलो 10 3 प्लस 2 5 मॉड्यूलो 10 5 आता है तो यहां पे आंसर क्या मिला 5 5 पे बकेट खाली है तो 93 कहां पे से होगा यहां पे से होने वाला है ठीक है तो यहां पे से होता है 93 ओके तो यहां पे ये केस में अगर मुझे सर्च करना है तो हम यहां पे एक चेन लगाते हैं ये जो चेन लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं चेन ऑफ इसको क्या बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग विथ चेनिंग बोलते हैं तो यहां पे क्या होता है जहां पे चेन नहीं होती है वहां पे माइनस 1 होता है मान लो अभी जैसे 23 पे कॉलिजन हुआ तो आपने कौन से इंडेक्स पे 93 सेव किया 23 तो यहां पे था तब यहां पे माइनस 1 था ये सब माइनस 1 है पहले से पर जैसे हमने यहां पे 93 करना था पर यहां पे तो ऑलरेडी एलिमेंट था तो हमने कितने प्रॉब में गए तो 2 प्रॉब हमने किया तो यहां पे प्रॉब उसका कितना प्रॉब वैल्यू अगर मैं बोलूं प्रॉब तो प्रॉब की वैल्यू कितनी आएगी 93 के लिए 2 टाइम्स आपने सर्च किया ठीक है लेकिन उसका जो चेन है वो कहां पे तो 23 से हमें ये पता चलेगा कि दूसरा 93 कहां पे गया 5 वाले इंडेक्स पे तो यहां पे चेन में लिखना होता है 5 तो यहां पे आंसर क्या आएगा 5 मतलब 5 पे जाके चेक करेंगे तो मान लो अगर आपको 93 सर्च करना होता तब आपका ऑर्डर ऑफ ये जो 1 है वो 1 की जगह पे क्या आता 2 क्यों क्योंकि 93 पहले आप आंसर 3 आया तो आप 3 पे जाके देखेंगे वहां पे तो ऑलरेडी 23 है 93 मैच नहीं हुआ लेकिन उसकी चेन देखो क्या बता रहा है 5 दिखा रहा है इसका मतलब 5 पे जाके भी देखना पड़ेगा तो 5 पे जाके देखते हैं तो वहां पे 93 मिल गया तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बोलू तो कितना बोलोगे 93 के लिए क्या बोलोगे 2 ना लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक रूल्स है कि जब भी हम यहां पे डिफाइन करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कभी 2, 3, 4 ऐसा नहीं करते या तो 1 या तो n या तो log n या तो n log n ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे लिखने होते हैं ठीक है कभी भी ऐसे कॉन्स्टेंट 2 या 3 या 4 आए तो उसको हम 1 ही लिखते हैं ठीक है इसीलिए हमने 1 लिखा है ठीक है बट कॉन्स्टेंट टाइम इसको बोलना चाहिए कि 93 आपको दूसरी बार में मिला है तो ये टेक्निक था हमारा हैशिंग तो हैशिंग क्या होता है डेटा सेव करना है और जब सर्च करना हो तो उसके मॉड्यूलर 10 करके अगर आप डिवीजन मेथड यूज करो तो मॉड्यूलर 10 करके जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर वाले इंडेक्स पे आपको जाके देखना है कि एलिमेंट्स वहां पे अवेलेबल है कि नहीं तो वो एलिमेंट्स को आप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो ये टॉपिक को बोलते हैं हैशिंग हैशिंग के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ हैशिंग जिसमें आता है ओपन हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं।